हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल टूर। दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। और इस वीडियो को चलाने से पहले या इस मेट्रो की राइड के पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है वो इस चीज़ पे है कि दोस्तों, जिन लोगों को मुसीबत होती है कि अभी हम दिल्ली पे हैं तो हमें नोएडा में जाना है, तो हमें कैसे जाना है, वहाँ कैसे पहुँचेंगे, या जो बाहर से लोग आते हैं वो नोएडा जाना चाहते हैं और वो आपके न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में उतर रहे हैं या टर्मिनल 3 में वो उतर रहे हैं या फिर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन में या आपके आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे हैं, तो वहाँ से वो नोएडा कैसे जा सकते हैं बाय मेट्रो। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी 1 से 1.5 महीने पहले ही नई मेट्रो जो कि नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है वो यहाँ पे शुरू की गई है और अभी ये डायरेक्ट अटैच नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। पहले क्या होता था कि बोटैनिकल गार्डन से लोग बस पकड़ के जाते थे, वहाँ पे रेगुलर हर 1 मिनट के अंतराल में आपके लिए बस है जो आपको नोएडा में परी चौक पे आपको ड्रॉप करती है, फिर वहाँ से आपको जिस लोकेशन में जाना है आप जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी गवर्नमेंट ने नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन शुरू कर दी है और जो कि जिसपे मैंने खुद ट्रैवल किया और इसको बहुत ही सही पाया, बहुत ही कम्फर्ट पाया और इसकी जो वहाँ पे जो मेंटेनेंस वगैरह है वो भी बहुत अच्छा है। अभी आप ये वीडियो में सब कुछ देखोगे। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप दिल्ली में हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ब्लू लाइन पकड़नी होगी जो कि द्वारका से चल के नोएडा की तरफ जा रही होगी, ठीक है। मैंने अपने पहले वीडियो में सारी आपको डिटेल बताई है, मैप के थ्रू बताई है कि कैसे आप दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में आप चढ़ सकते हैं या किसी भी डेस्टिनेशन में आप उतर सकते हैं। वहाँ पे स्मार्ट कार्ड वगैरह का भी रोल है, तो अगर अभी आप न्यू हैं, दूसरे स्टेट में हैं, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम किसी भी मेट्रो में चढ़ते और उतरते हैं। फिलहाल के थोड़ा सा मैं वीडियो भी चला देता हूँ, इसमें शोर है लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताता चलूँ। तो दोस्तों, ये है आपके नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको द्वारका से नोएडा जाने वाली जो मेट्रो है उसको आपको पकड़ना होगा। और अब आपको बता दूं कि जो नोएडा सिटी सेंटर तक ही मेट्रो जाती थी वो अब एक्सटेंड कर दी गई है और नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक ये अब जाती है। तो इस रूट के बीच में ही आपका पड़ता है सेक्टर 51। तो जो लोग दिल्ली से नोएडा मेट्रो में जाना चाहते हैं तो उन्हें सेक्टर 51 में ही उतरना होता है। सेक्टर 51 में उतर के आपको हार्डली 1 मिनट के डिस्टेंस पे, वॉकिंग डिस्टेंस पे जो है वहाँ पे आपको जाना होगा और आपको नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का वहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म दिख जाएगा, उसमें आप एंट्री करिए। एंट्री करने के बाद आपको मैं बता दूं कि जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का जो टिकट है, स्मार्ट कार्ड है, वो वहाँ काम नहीं करेगा। आपको टिकट काउंटर में जाके नया टिकट लेना पड़ेगा और जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते होंगे कि वहाँ पे अभी स्मार्ट कार्ड अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इसके लिए वो आपको एक कार्ड देते हैं जिसमें आपका बुकमार्क वगैरह होता है। बुकमार्क टाइप मीन्स जैसे आपका पेटीएम वगैरह में आपने देखा होगा स्कोडर होता है, स्कैनर होता है, तो वो चीज़ वहाँ पे होता है, ठीक है। उसको आप सिंपली जैसे आप स्मार्ट कार्ड वहाँ पे स्वीप करते हैं वैसे ही उसको लेंस के ऊपर रखना होता है। और आपका डिस्टेंस वगैरह के हिसाब से बता दूँ कि अगर आप परी चौक तक डिस्टेंस ट्रेवल करते हो तो आपके 50 रुपीज़ वहाँ पर लगने हैं। तो 50 रुपीज़ मैक्सिमम आपका 50 रुपीज़ ही है, फिर वो जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती जाती है आपके पैसे भी उसी तरह कम होते जाते हैं। तो आप टिकट काउंटर से वो टिकट लीजिए, वन टाइम यूज़ होता है, वो वन वे यूज़ ही होता है। अभी फिलहाल वहाँ पे स्मार्ट कार्ड नहीं आए हैं तो इसके बाद आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। तो सेक्टर 52 से आपका जो लास्ट स्टेशन है नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को वो है डिपो मेट्रो स्टेशन। तो इसके बीच में आपके 20 मेट्रो स्टेशन पड़ते हैं, तो आप ये कह सकते हैं स्टेशन है और ये कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। जैसे आप वीडियो में भी देख सकते हैं दोस्तों कि इसकी जो चेयर वगैरह है वो भी बिल्कुल नई है और सब कुछ बहुत अच्छा मेंटेन किया है। आप इसे बीच में ट्रैवल कर सकते हैं और ये वीडियो भी आप देखोगे तो खुद आप उसमें रियलाइज करोगे कि हर चीज इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन पिंक लाइन चलाई गई है जो कि बहुत इलेक्ट्रॉनिक है। हर स्टेशन का आपको दिखाता है कि कौन सा स्टेशन आपका होता है। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि स्क्रीन में 82 स्टेशन पूरा चलते हुए हम सेक्टर 51 पे जाते हैं और इस सेक्टर 51 में आप एक ब्रिज दे सकते हो आगे जो कि ब्लू लाइन को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो हमारे जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में है सेक्टर 52, तो हम चलने के बाद 1 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद हम सेक्टर 52 में चले जाते हैं और फिर हम अपने दिल्ली मेट्रो में जैसे भी हम ट्रैवल करते हैं वैसे हम कर सकते हैं।
दोस्तों ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, ये अभी आपको इसमें पता चलेगा कि कैसे कोई भी स्टेशन आता है अपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं जो आपको दिखाई भी देगी। वॉइस के साथ साथ जैसे आप देख सकते हो डेल्टा वन आया है, तो यहाँ पे डेल्टा वन वो बता रहा है, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी इसमें डिस्कम्फर्ट नहीं होने वाला है और ये बहुत ही अच्छी मेट्रो है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या डाउट है अभी भी कि कैसे आप दिल्ली मेट्रो में जा सकते हो, दिल्ली मेट्रो से नोएडा मेट्रो पे आपको जाना है, तो वो सारी चीजें मैं आपको, आप कमेंट करिए, मैं उसमें आपको बता दूंगा। ये वीडियो ऐसे चल रही है दोस्तों, आप इसको लास्ट तक देखिए और कोई भी जो भी कमेंट वगैरह हो तो आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और दोस्तों एक खास बात और कि कई लोगों के मन में डाउट रहता है कि हम बस से जल्दी पहुंचेंगे या मेट्रो से, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको परी चौक तक पहुंचने में अप्रोक्सीमेट 40 to 45 मिनट्स लगेंगे। तो ये आप मान के चलिए कि 40 मिनट्स आपके लगेंगे, तो जो बस से टाइम लगता है वही इसमें लगने वाला है, इवन ये थोड़ा सा फास्ट होगी। अभी ये क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज़्यादा यात्री नहीं चढ़ते हैं, अभी उनको इस चीज़ का अनुभव नहीं है, वो बोटैनिकल गार्डन से ही उतर के बस से ट्रैवल करना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये यात्रियों से भर जाएगी तो इसका जो ट्रैवल फ्रिक्वेंसी है वो भी वहाँ पे काफ़ी तेज हो जाएगी, तो इसलिए आपका जो टाइम है उसका ड्यूरेशन भी कम होने लगेगा। तो अगर आप चाहें तो इसे बिल्कुल वहाँ पर राइड कर सकते हैं। अभी इसका थोड़ा कॉस्ट आपको ज़्यादा लग सकता है कि 50 रुपीज़ है आपका कॉस्ट अगर आप परी चौक या परी चौक से आगे जाना चाहते हैं, लेकिन ये आपको बहुत ही कंफर्ट प्रदान करेगी, तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी राइड है और इसको जरूर ट्राई करिएगा। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, आपको दिल्ली मेट्रो में ब्लू लाइन पकड़नी है जो कि द्वारका से होके आपका नोएडा की तरफ जा रही है, ठीक है। उसमें आप सेक्टर 51 में उतरते हैं, 1 मिनट की आप एग्जिट करोगे, फिर 1 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे आप सेक्टर 52 पे जाइए। सेक्टर 52 क्या है, आपका नोएडा मेट्रो स्टार्ट हो जाता है। इंटर करने के बाद, टिकट लेने के बाद आप इंटर करिए, इंटर करने के बाद आप इसमें राइड करिए और आप इसमें जितने भी लोकेशन है, टोटल 20 स्टेशन है, उनमें आप उतर सकते हैं और डिस्टेंस के हिसाब से ही आपके वहाँ पे पैसे लगेंगे।
सभी दरवाजे बंद करके कृपया सावधानी से सभी चौक स्टेशन दो